बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट में एड्स कैसे शो करवाने हैं। जब हमारी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट में एड्स लगाने होते हैं जिससे हम अर्निंग करते हैं। अगर तो आपने एडसेंस का डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना है तो इस तरह आप अपना एडसेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करना तो आपने यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक करेंगे, व्यू अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडसन का अकाउंट शो हो जाएगा। ये देखें, मेरा एडसन का अकाउंट शो हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट में एड्स कैसे लगाने हैं। सबसे पहले आपने एड्स पे जाना है। एड्स पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ से ऑटो एड्स के ऊपर क्लिक करना है। ऑटो एड्स का मतलब ये है कि जहाँ भी एडसन को आपकी वेबसाइट पे स्पेस मिलेगी वहाँ पे वो ऐड शो करवा देगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि सेटिंग करनी है, लेआउट सेट करना है, उसके हिसाब से ऐड लगाने हैं। इससे ये होगा कि ऑटोमेटिक एड्स आपकी वेबसाइट पे रन करवा दिए जाएंगे। तो आपने यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपने यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करना है। जब आप गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ से ये कोड आपको शो होगा। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ये वाला कोड, ये देखें ऊपर बताया हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट द एडसन अकाउंट इन बिटवीन द हेड सेक्शन। आपने हेड सेक्शन में इसको पेस्ट करना है। अगर आपने ये कोड पहले से पेस्ट किया हुआ है तो आपने जस्ट यहाँ से ऑन ऑफ करना होता है तो आपकी वेबसाइट पे ऐड चलना शुरू हो जाती है। ऑफ़ कर देंगे तो बंद हो जाएंगी, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएंगी और दोबारा आपको कोड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आपने डन पे बाद में क्लिक करना है, इधर चले जाना है। पहले यहाँ से आपने थीम पे जाना है। जब आप थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास की एडिट HTML। एडिट HTML पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने हेडर सेक्शन शो होगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आपका हेडर सेक्शन, ये देखें ये हेड आ गया। और उसके बाद नीचे आपने एक स्पेस लगानी है, यहाँ पे कोड पेस्ट करके सेव कर देना। मैंने पहले सेव किया हुआ है, मैं इसलिए दोबारा पेस्ट नहीं करूँगा। तो आपने हेड के नीचे आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इधर आ जाना, इधर आके आपने डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे 2 या 4 मिनट के बाद एड शो होना स्टार्ट हो जाएगी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।